नमस्कार। जोब्रोल स्विंग मशीन ऑपरेटर यूनिट नंबर 4, यूनिट 9, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विंग मशीन। सेशन नेम, चेक द इक्विपमेंट पेयर टू स्टिचिंग। प्रेजेंटर नेम रूबी। स्कूल नेम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर नकड़ो, डिस्ट्रिक्ट ऊना। ऑब्जेक्टिव, तो इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि इस सेशन में छात्र विभिन्न प्रकार के चेकिंग ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट के बारे में जान सकते हैं। छात्र चेकिंग ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट के काम करने के बारे में सीखते हैं। छात्र चेकिंग ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट के उपयोग के बारे में सीखते हैं। चेकिंग ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट परिधान बनाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से मापने, अंकन, कटाई और सिलाई का ज्ञान और कौशल शामिल है, जो उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करने में किया जाता है। मापने, चिन्ह करने और काटने के विभिन्न उपकरणों और उपकरणों की अपनी उपयोगिता का महत्व है। उपयुक्त धागे और सुइयों का उपयोग करने के लिए भी चर्चा की गई है। एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि सिलाई मशीन पहले तैयारी कैसे करें। करेक्ट मेजरिंग टूल, एक अच्छी तरह से सज्जित परिधान या किसी भी लेख को सिलाई करने के लिए सटीक माप लेना महत्वपूर्ण है। शरीर के सटीक माप लेने के लिए माप उपकरणों का उचित चयन आवश्यक है। परिधान की उचित फिटिंग सुनिश्चित करने के लिए सही पैटर्न बनाने के लिए सटीक माप की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के मापने के उपकरण को कम से ठीक करने के मदद करने के लिए है, इस प्रकार से हैं। मेजरिंग टेप, यह माप लेने के लिए एक धातु का प्लास्टिक टेप है। आमतौर पर एक मापने वाले टेप का आकार 60 इंच लंबा होता है और इसमें इंच विभाजित होता है। एक छोर पर यह एक छोटा धातु आवरण होता है और टेप के दूसरे छोर पर एक गोल छाती, गोल कमर और परिधान की लंबाई आदि जैसे बिंदुओं का माप लेने के लिए लगभग 3 इंच लंबी धातु की पट्टी होती है। फिर आता है फ्रेंच कर्व। जब आप एक पैटर्न को लंबा या छोटा करते हैं तो आपको लाइनों में मिश्रण करना होता है। फ्रेंच कर्व का उपयोग करने से आप पूरी तरह से चिकनी वक्र बना सकते हैं। फिर आता है हमारा हेम गाइड, ये आपके कपड़े पर हेम गहराई और वक्र जल्दी से मापने के लिए एक व्यवहारिक गाइड है। यह एक घुमावदार किनारे के आकार का है। आप कपड़े हेम के बीच गाइड रखकर सीम भत्ता को दबा सकते हैं। चेंजिंग द नीडल, सुई बदलें। सुइयों को बदलने के लिए सिलाई मशीन का सबसे आसान और सस्ता अभी तक 50% सीम है। एक नई सुई के बिना एक सिलाई मशीन सही ढंग से काम नहीं कर सकती है। चेकिंग द टॉप थ्रेडिंग, टॉप थ्रेडिंग की जांच करें। धागा तनाव डिस्क में नहीं है, ये मशीन के प्रत्येक ढांचे और गाइड के धागे को मजबूती से रखें। यदि मशीन को सही ढंग से थ्रेड नहीं किया गया है तो यह सिलाई नहीं करेगा। गुणवत्ता धागा, क्वालिटी थ्रेड, सिलाई मशीन जैसे अच्छे धागे, अगर धागा अच्छा हो तो आप कैसे बता सकते हैं कि वह धागा 1950 के दशक से दादी की सिलाई के बॉक्स से है, वह धागा अच्छा नहीं है। एक स्टोर से धागा खरीदे जो सिलाई मशीन बेचता हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धागा गुणवत्ता वाला धागा है। सिलाई मशीन के कम गुणवत्ता वाले धागे पर संचलित करती है, लेकिन याद रखें धागा सीम के अन्य 50% को बनाता है। यदि आप निश्चित हैं कि धुलाई के बाद इसे एक साथ रखा जाएगा, रिस्क मत लो, हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले धागे का उपयोग करें। क्लीन द मशीन, मशीन को साफ करें। सिलाई मशीन को साप्ताहिक आवश्यकता होती है। अगर प्रतिदिन लिंट को हटाने योग्य ना हो तो गले की प्लेट के नीचे से फूलना हो, सबसे पहले गला प्लेट के बोबिन मामले को उन क्षेत्रों को उजागर करने के लिए हटा दें जो इन लिंट इकट्ठा होते हैं। ब्रश या क्यू टिप का उपयोग करके सभी दृश्यमान लिंट को धूल बॉक्स से हटा दें। यदि मशीन को तेल की आवश्यकता है तो सफाई के बाद तेल की एक बूंद डालें। डिब्बाबंद हवा का उपयोग ना करें। सही धागा और सुई का आकार, करेक्ट थ्रेड एंड नीडल साइज।
जब हम अपने लिए सही कपड़े को सिलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें थ्रेड की मोटाई को ध्यान में रखना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कपड़े पर मोटे धागे अधिक देखे जा सकते हैं, लेकिन जो सामग्री हम उपयोग करने जा रहे हैं उनकी कौन सी मोटाई सबसे अच्छी है? खैर, इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं है क्योंकि कुछ अलग तरीके हैं जिनसे हम धागे को माप सकते हैं। अधिकांश निर्माता पूरी तरह से सूत्रों से चिपकते नहीं है, तो संक्षेप में सामग्री को देखना और धागे की मोटाई को निर्धारित करना हमेशा बेहतर होता है, ये जानकर कि हमें किस सुई के आकार का उपयोग करना है। करेक्ट टाइमिंग, सुई बार की ऊंचाई निर्धारित सेट करें, सेट द निडल बार हाइट। अधिकांश मशीनों में उन पर निर्धारित होते हैं जो सुई बार के लिए उपयुक्त ऊंचाई का संदेश देते हैं। अपनी सुई बार तक कैसे पहुंचे और कैसे ढीला करें, इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए अपने मैनुअल से संपर्क करें। चेंज द स्विंग मशीन नीडल, एक सिलाई मशीन सुई बदलें। अपनी सुई को एक नए के लिए स्विच करना एक सरल कार्य है जो आपके सिलाई मशीन की गुणवत्ता को सुधारेगा। अधिकांश सिलाई मशीन मैनुअल सिलाई मशीन बदलने के निर्देश के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ मूल बातें हैं। सुई सेट पेंच ढीला, सेकंड है सुई को नीचे की ओर और सुई को बाहर की ओर खींचे, थर्ड है एक नई सुई डालें, जब तक सुई की नोक हिट ना हो तब तक ऊपर की ओर पुश करें। यदि औद्योगिक सिलाई मशीन का उपयोग करते हैं तो सुई को चालू करें ताकि दुपट्टा मशीन पर हुक विधानसभा के सामने हो। फिर आता है लास्ट में सुई सेट पेंच को कस लें। ओवरव्यू, चेकिंग ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट को समझने के लिए छात्र सक्षम है। छात्र चेकिंग ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट की पहचान करने में सक्षम है। छात्र चेकिंग ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट की व्याख्या करने में सक्षम है। थैंक यू।